वेल हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रजत भानसिंह तोमर पे। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारा है पल्स इंडक्शन मेटल डिटेक्टर के ऊपर। अब पल्स इंडक्शन मेटल डिटेक्टर होते क्या हैं? अभी तक हमने हमारे चैनल पे मेटल डिटेक्टरों की बात करी। अब मैंने आपको बताया कि मेटल डिटेक्टर चार तरह की कैटेगरी में भी आते हैं। कैसे? एक होती है VLF मशीन। VLF से मतलब होता है जिनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी लो होती है। दूसरी होती है आपकी जो पल्स इंडक्शन होती है, और तीसरी बेसिकली जो इमेजिंग सिस्टम के साथ आती है, और चौथी लॉन्ग रेंज लोकेटर में। अब ये चार टेक्नोलॉजी में मेटल डिटेक्टर निकलते हैं। यहाँ पे दो तरह की टेक्नोलॉजी जो कि फेल है, कौन कौन सी? लॉन्ग रेंज लोकेटर हमारे और इमेजिंग सिस्टम डिटेक्टर हमारे। हालांकि इमेजिंग में GPR सक्सेसफुल है, लेकिन लॉन्ग रेंज लोकेटर पूरी तरह फेल है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भाई, हमने अभी तक VLF मशीनें देखी। VLF से मतलब वेरी लो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर, जो हम बात करते थे 3 kHz से लेकर 100 kHz तक फ्रिक्वेंसी रहती थी। अब उन डिटेक्टरों में होता क्या था कि आपने देखा होगा वो डिटेक्टर VLF काम कैसे करते थे कि भाई, उनके अंदर एक सिग्नल ट्रांसमीटर लगा रहता था। ऊपर जो मेन यूनिट रहती थी वो पहुंचाती थी करंट, करंट से कॉइल बनाती थी मैग्नेटिक फील्ड, भेजती थी सिग्नल नीचे, और ऊपर आते थे जो सिग्नल वापस, तो वो वापस मेन यूनिट पे जाके पड़ते थे, तब जाके वो VLF बताती थी। और VLF में क्या खासियत होती थी सबसे बड़ी, कि ये डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न लगा सकते थे आप, इसमें ऊपर ही ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल ले सकते थे आप। अब हम बात कर रहे हैं पल्स इंडक्शन डिटेक्टरों की। तो भाई, पल्स इंडक्शन होते क्या हैं? तो पहले तो इस टेक्नोलॉजी को आप समझिए, PI टेक्नोलॉजी है क्या, पल्स इंडक्शन टेक्नोलॉजी आखिरकार मेटल डिटेक्टरों में होती क्या है। तो भाई, यहाँ पे क्या होता है, VLF में आपने देखा होगा एक सिग्नल रिसीवर लगा रहता है, एक ट्रांसमीटर, मतलब मेन यूनिट ट्रांसमिट करती है करंट को, और जो कॉइल होती है वो नीचे को भेजने के बाद जब सिग्नल रिसीव होते हैं दोबारा कॉइल में तो ऊपर भेजती है। लेकिन यहाँ पे जो पल्स इंडक्शन मशीनें होती हैं, उनमें होता क्या है, मेन यूनिट का कोई काम नहीं रहता, डायरेक्ट कॉइल ही, मतलब पूरा कंट्रोल कॉइल के हाथ में रहता है। कॉइल ही सिग्नल भेजती है, ट्रांसमिट करती है उन्हें, जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं और वापस आती हैं तो वो क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर लेती है। मतलब एक ही कॉइल से सिग्नल ट्रांसमिट भी होता है और रिसीव भी होता है। अब होता क्या है इन पल्स इंडक्शनों में, ये 1 सेकंड के अंदर कम से कम 100 पल्स, मतलब 100 तरह की तरंगें, 100 तरह की पल्स जमीन के अंदर छोड़ते हैं। मतलब 1 सेकंड, विथिन 1 सेकंड के अंदर 100 तरह से पल्स छोड़ते हैं। तो ये बहुत तेजी के साथ पल्स छोड़ते हैं, और तेजी के साथ मैग्नेटिक फील्ड एकदम से छोड़ते हैं अपनी, और वापस लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट होता है नीचे से, तो फटाक से इनके पास वापस आता है सिग्नल। लेकिन इनकी खासियत क्या होती है, जो ये पल्स इंडक्शन पॉपुलर है, मतलब फॉरेन के अंदर, अभी हमारे इंडिया में तो पल्स इंडक्शन कोई चलाता नहीं है, और जो लोग चला रहे हैं उनको चलाना आता नहीं है। तो भाई, आप लोग भी अगर पल्स इंडक्शन के बारे में ये वीडियो देख रहे हैं तो गौर करिएगा इस टेक्नोलॉजी को लेके, क्योंकि आप एक ऐसा डिटेक्टर रखे बैठे हुए होंगे जो काफ़ी अच्छा डिटेक्टर होता है। वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा डिटेक्टर पल्स इंडक्शन होते हैं, ये याद रखिएगा। और वर्ल्ड का फर्स्ट पल्स PI यूनिट, जो पल्स इंडक्शन यूनिट है, वो भी JW फिशर की ही है, मतलब फिशर कंपनी ने ही पल्स इंडक्शन यूनिट लॉन्च करी थी। तो यहाँ पे जब फिशर ने लॉन्च करा था अपना पल्स 8X, सबसे शुरू में उनने लॉन्च करा था, इम्पल्स करा था पहले उनने लॉन्च, फिशर का इम्पल्स, फिर उसके बाद उनने एक और निकाला फिशर का 8X, पल्स 8X। तो भाई, ये टेक्नोलॉजी करती क्या थी, ये पल्स छोड़ती थी, 1 सेकंड के अंदर 100 पल्स उसने छोड़ी फटाक से ग्राउंड में, कोई ऑब्जेक्ट नीचे है उस पर पड़ने के बाद, और रिटर्न आई तरंगे तो डिटेक्टर साउंड देने लगता था। अब ये डिटेक्टर की कमी के बारे में बात करते हैं हम। भाई, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये गहराई से ऑब्जेक्ट उठाता है, जो आप कहते हो ना गहराई, गहराई नॉर्मली फोटो पे आपको गहराई चाहिए होती है, तो ये इंच मिंच का कोई काम नहीं है इसमें, इसमें गहराई का ही काम है, ये नॉर्मली डेप्थ उठाता है। मतलब कोई टारगेट नीचे है 2 इंच 4 इंच 8 इंच 10 फीट बड़ा ऑब्जेक्ट, थोड़ा अगर 10 फीट भी है तो ये उठा लेगा तुरंत। मतलब अगर सिंगल कॉइन भी है तो ये 5-6 फीट से उठा लेगा उस सिंगल कॉइन को,
इतनी तेज पल्स शार्ट करते हैं ये डिटेक्टर, मतलब इतनी तेजी के साथ ये पल्स छोड़ते हैं जमीन के अंदर कि जो टकरा के जब ऑब्जेक्ट पे वापस आती है तो तुरंत कैप्चर कर लेते हैं। अब इनकी ये सबसे बड़ी खासियत है कि ये डेप्थ अच्छी लेते हैं, और इनकी सबसे बड़ी खासियत कहाँ पे दिखती है हमें, जब हम मैग्नेटाइट हॉट रॉक पे पहुंचते हैं, मतलब अगर हम नगेट हंटिंग करने जा रहे हैं। अब इस डिटेक्टर की एक खासियत बताता हूँ, ये नगेट हंटिंग के भी काम में आता है और आपका ज्वेलरी रेलेक्स कॉइन कैश हर चीज ढूंढने के काम आता है, क्योंकि ये तो पल्स छोड़ रहा है, इसको मतलब नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। इसकी खामी ये है कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न नहीं है, आपको नहीं पता चलना कि क्या है नीचे, मतलब आपके नीचे क्या है। अगर कचड़ा भी है तो वो ये पल्स में आपको भेजेगा वापस और आपको साउंड सुनाई देगा। सिर्फ आपको आपके कानों में हेडफोन लगा के ये ध्यान रखना है, इस अगर डिटेक्टर को आप चलाओगे पल्स इंडक्शन को, तो आपको आपके कानों पे ये ध्यान रखना है कि जैसे ही यूनिट आपने स्टार्ट करी, आप लेके चले, कोई भी चीज हो, भले कचड़े की भी चीज आएगी और इसकी पल्स उस पे पड़ी और इसने साउंड करा, तो आप समझ लीजिए कि भाई मेटल आ चुका। अब भले कुछ भी आए, तो यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी खामी होती है और VLF को ज्यादा पसंद करते हैं लोग, क्यों करने लगते हैं, भले ये डेप्थ ज्यादा लेता है, मतलब गहराई ज्यादा लेता है, लेकिन यार एक बात बताओ, छोटे से छोटा कचड़ा होगा तो आप क्या करोगे, बार बार उसको खोदते फिरोगे क्या? दिक्कत यहाँ पे आती है और पल्स इंडक्शन यहाँ फेल होते हैं। लेकिन पल्स इंडक्शन की खासियत नगेट हंटिंग पे दिखती है, मतलब नगेट हंटिंग करने के लिए इन्हें आप सॉल्ट वाटर पानी में ले जाओ, खारे बीचों पे ले जाओ, और नगेट हंटिंग करना नदियों में ले जाओ, पहाड़ों पे ले जाओ, गर्म ग्राउंड पे ले जाओ, किसी भी जगह ले जाओ इनको, ये फेल नहीं होते। ये नगेट हंटिंग करने के लिए काफी उपयुक्त डिटेक्टर है, क्योंकि नगेट हंटिंग करते टाइम हमें कचड़े कूड़े की जगह में कभी भी नहीं करते हैं। कैसे कि भाई हम सिटी की या शहरों के या गांव के अंदर तो करेंगे नहीं जहाँ कचड़ा पड़ा हो, हम करेंगे जंगल में पहाड़ों पे जहाँ पे कचड़ा तो मिलना ही नहीं है, तो वहां पे ये डिटेक्टर नगेट हंटिंग के लिए काफी अच्छे हैं। मगर इनकी खामी ये है कि ये महंगे बहुत आते हैं, और ये पल्स इंडक्शन मशीनें महंगी बहुत आती हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, डेप्थ के साथ डिटेक्ट करती है, माइन्यूट से माइन्यूट नगेट को भी डिटेक्ट करेगी। हालांकि अगर आप पल्स इंडक्शन की नगेट के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि भाई ढाई ढाई हजार और $3,000-$3,000 का ये गैरेट का ATX आता है, और कम से कम $1,700-$1,800 का टेसोरा, ये बाइक का TDM वगैरह आता है, और इससे हटके फिशर के भी $700-$800 के इनके पल्स इंडक्शन यूनिट आती हैं। तो भाई आप इतना ज्यादा ना जाके, आप सबसे अच्छा काम करो, नगेट हंटिंग भी करना है तो फिशर की गोल्डबग 2 ले लो, वो इस पल्स इंडक्शन को बीट करके बता देगी। आप उसके रिव्यू पल्स इंडक्शन PI यूनिट के साथ कंपेयर करके, नेट के अंदर काफी सारे पड़े हुए हैं, आप लोग खुद चेक कर सकते हो कि PI यूनिट को टक्कर दे देती है फिशर की गोल्डबग 2, क्योंकि वो वर्ल्ड का फर्स्ट डिटेक्टर था, तो पहली टेक्नोलॉजी इतनी कारगर थी उनकी कि भाई पल्स इंडक्शन भी आज की डेट में इतने एडवांस होने के बाद भी फिशर गोल्डबग 2 की टक्कर में कोई मशीन नहीं है नगेट हंटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ये टाइनी से टाइनी नगेट को ढूंढ लेती है। अब आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप पल्स इंडक्शन के बारे में समझे होंगे, इसके अंदर कॉयल ही ट्रांसमिट करती है सिग्नल और कॉयल ही रिसीव करती है, और एक साथ ये 100 तरंगे 1 सेकंड के अंदर छोड़ देती है, जिससे बहुत ही तेजी के साथ मैग्नेटिक फील्ड ये कैप्चर कर लेती है। किसी ऑब्जेक्ट पे जैसे ही वो तरंगे पड़ती हैं और ऊपर आती हैं, वैसे ही ये तुरंत कैप्चर कर लेती है। इसकी सबसे बड़ी खामी होती है इसके अंदर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगा सकते, सिर्फ आपको साउंड के भरोसे डिटेक्टर चलाना है, कोई मेटल का ऑब्जेक्ट आया तो ये साउंड करेगा, हॉट रॉक आई तो आपको ग्राउंड बैलेंस करना पड़ेगी मशीन को, ग्राउंड बैलेंस करने के बाद आपकी किस्मत है, अगर नगेट हंटिंग पे गए तो कचड़ा तो मिलना नहीं है, लेकिन सिटी के अंदर या कहीं पे और आप इसको चला रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी छोटे आइटम भी आएगा इसके नीचे, लोहे का आए या एल्यूमिनियम का आए या कॉपर का आए, कुछ भी आए, इसका काम है बजना, ये आपके कानों में आवाज सुनाई देगी, आप ये सोचोगे कि टारगेट है कुछ, आप खोदोगे कचड़ा ज्यादा हाथ आएगा, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं बताते। इन डिटेक्टरों के अंदर सबसे बड़ी खामी यही है। हालांकि पल्स 8X में जब फिशर कंपनी ने निकाला था पल्स इंडक्शन डिटेक्टर, तो पल्स 8X जो उनका सेकंड डिटेक्टर था, उसके अंदर उनने एक डिस्क्रिमिनेशन फीचर लगाने की कोशिश करी थी, एक एनालॉग कांटा लगा के। कैसा आप देख रहे होंगे
कि एक एनालॉग कांटा है इसके अंदर। तो ये कांटा क्या करता है, अप डाउन मतलब फेरस नॉन फेरस के हिसाब से काम करने की कोशिश करता है। तो उनकी ये टेक्नोलॉजी तो सक्सेसफुल हो गई, लेकिन कई लोग आज भी इसको समझ नहीं पाते कि पल्स इंडक्शन में डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं आता। भाई पल्स इंडक्शन डिटेक्टरों में अगर डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न आने लगे और अगर हम लोगों को समझ में आने लगे कि हमारा यहाँ आयरन का ऑब्जेक्ट आया, यहाँ हमारा गोल्ड या सिल्वर का या हायर रीडिंग ऑब्जेक्ट आया, तो पल्स इंडक्शन से अच्छी मशीनरी कोई सी नहीं होती। और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा VLF ना बिकते पल्स इंडक्शन बिकते। ये पल्स इंडक्शन कौन लोग यूज करते हैं ज्यादातर, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो डाइवर होते हैं सबसे ज्यादा पल्स इंडक्शन मशीनें यूज करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर उनको कचरा नहीं मिलना, वो जा रहे हैं तो कचरा ही ढूंढने जा रहे हैं जो जहाज डूब गया या कुछ भी हो गया। क्योंकि अगर ज्यादा गहराई पे है तो पल्स इंडक्शन की जो पल्सें शॉर्ट होती हैं और ऑब्जेक्ट में पड़ के वापस आती हैं, तो वो ज्यादा गहराई से उठा लेती हैं। तो ये डाइवरों के काम के डिटेक्टर है। हालांकि ये गैरेट ATX 10 फुट तक काम करता है, जबकि फिशर का इम्पल्स आप 250 फुट नीचे तक ले जा सकते हो। फिशर का JW का 8X पल्स भी आप 250 फुट नीचे ले जा सकते हो। टेसोरो का सेंट शार्क है, वो भी 10 फीट तक काम करता है। आपका ये क्या बोलते हैं, वाइट का TDI है और वाइट का TDSL, ये दोनों डिटेक्टर भी वाइट कंपनी के पल्स इंडक्शन होते हुए 8-8, 10-10 फीट तक काम करते हैं। तो भाई यहाँ पे बात है कि ये डिटेक्टर वाटरप्रूफ आते हैं पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि इनका काम है खारे पानी में चलाना और आपका किसी भी जगह कोई भी कंडीशन के अंदर ये ग्राउंड को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब इनके अंदर हॉट रॉक और मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नेटाइट हॉट रॉक भी है ना, तो ये उसको अच्छे से ग्राउंड बैलेंस कर लेंगे। और ये डिटेक्टर नगेट हंटिंग के लिए काफी अच्छे होते हैं। हालांकि ये महंगे पड़ते हैं, तो महंगाई के हिसाब से भाई इन डिटेक्टरों को भी आप लोगे तो भी आप बहुत महंगे भाव में जाओगे। मतलब जब अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम फिशर का भाई गोल्डबक 2 ले सकते हैं, तो भाई नगेट हंटिंग के लिए, या फिर हम मैक्रो का रेसर ले सकते हैं, या फिर नगेट हंटिंग के लिए हम कोई और कंपनी का डिटेक्टर ले सकते हैं VLF में जो सस्ता आता हो, तो हम इतने महंगे VLF ये पल्स इंडक्शन खरीदेंगे क्यों? जबकि हमें पता है कि वही फिशर का गोल्डबक 2 इस पल्स इंडक्शन को आज भी बीट कर रहा है। तो दोस्तों पल्स इंडक्शन का काम है गहराई से सामान उठाना, ये बात हकीकत है, क्योंकि ये पल्स शॉर्ट करते हैं। ये टेक्नोलॉजी ही अलग है। फिशर कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी बनाई थी, JW फिशर द्वारा निर्मित सबसे पहला डिटेक्टर था फिशर कंपनी का, फिशर का इम्पल्स। उसके बाद फिशर ने दोबारा बनाया पल्स 8X। इसके अंदर इन्होंने टेक्नोलॉजी को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करी, एनालॉग मीटर लगाया। उसके बाद गैरेट ने भी अपना पल्स इंडक्शन निकाला, इन्फिनियम निकाला, फिर उसके बाद ATX निकाला। वाइट ने भी TDISL निकाला, फिर वाइट ने भी सर्फ का PIDF निकाला मॉडल। टेसोरा ने भी फिर हाथ आजमाया पल्स इंडक्शन में, उनने भी सेंट शार्क निकाला। तो ये जो डिटेक्टरों के नाम ले रहा हूँ ना मैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के, गैरेट, वाइट, टेसोरा, फिशर, तो ये सारी कंपनियां, माइन लैब, ये सारी कंपनियां भाई वर्ल्ड के अंदर जानी मानी कंपनियां हैं जिनके ये PI यूनिट है। हालांकि मार्केट के अंदर चाइनीज पल्स इंडक्शन डिटेक्टर आपको VLF के मुकाबले मिल जाएंगे, लेकिन वो आप ले भी लोगे तो उनसे काम करते आपसे नहीं बनेगी। क्यों? डिस्क्रिमिनेशन इनमें नहीं आता और इनको आप चलाने में बहुत कठिनाई होगी आपको, और आप ये सोचोगे हर टारगेट को आप कहां तक खोदोगे। भाई तो अपना विवेक इस्तेमाल करना। हाँ, गहराई का काम है उस जगह पे ये यूनिट सक्सेसफुल है, भाई सूने का काम है उस जगह पे ये यूनिट सक्सेसफुल है, लेकिन अगर आप अपना विवेक यूज करोगे तो आप खुद सोचोगे कि हम VLF में ज्यादा फीचर पा सकते हैं, ग्राउंड बैलेंस कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेशन लगा देंगे, लोहा हटा देंगे, दुनिया भर का काम कर सकते हो उसके अंदर, लेकिन इनके अंदर कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आपको साउंड के अंदर निर्भर रहकर चलना पड़ता है। और चाइनीज भी पल्स इंडक्शन काफी सारे डिटेक्टर आते हैं जो बहुत सस्ते सस्ते आ रहे हैं। तो भाई पल्स इंडक्शन की मशीनें आती काफी अच्छी हैं, टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, टेक्नोलॉजी में कोई खराबी नहीं है, डिटेक्टरों में कोई कमी नहीं आती। जो भाई बड़ी बड़ी कंपनियों के डिटेक्टर हैं उनमें तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। गैरेट का ATX पल्स इंडक्शन में वर्ल्ड के अंदर काफी अच्छा बिक रहा है। फिशर के दोनों डिटेक्टर, चाहे पल्स ATX हो चाहे फिशर का इम्पल्स हो, दोनों धड़ल्ले से बिक रहे हैं। वाइट का TDISL, वाइट का सर्फ PI, ये भी बहुत भयंकर बिक रहे हैं। और टेसोरा का तो खास तौर से सेंट शार्क,
क्योंकि ये लैंड में भी और खारे पानी में स्पेशली बीचों के लिए इनने ये डिटेक्टर तैयार करा था, तो इस कारण ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि भाई हमारे इंडिया साइड तो बीच इतने हैं नहीं, लेकिन जब फॉरेन की कंट्रियों में बीच साइड डिटेक्टिंग सब लोग पसंद करते हैं, इसलिए इनका सैंड शार्क ज्यादा फेमस हुआ। और सबसे बड़ी बात है टेसोरा के अंदर सैंड शार्क में ये लाइफ टाइम वारंटी देते हैं, और भाई जब डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, कानों में हेडफोन ही लगाना है तो लाइफ टाइम वारंटी वैसे भी देंगे वो। इनकी यूनिट वाटरप्रूफ उतनी नहीं रहती, लेकिन फिर भी हालांकि फिशर के जो डिटेक्टर है वो आप 250 फीट नीचे तक ले जा सकते हो, 250 फीट अंडर द वाटर, मतलब 250 फीट अगर आप पानी के नीचे ले गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे आपको सोचना है कि आपको पल्स इंडक्शन चाहिए ज्यादा पैसे लगा के, या आपको VLF चाहिए। अब आप सोचिए गैरेट का ATX लगभग 2500 या 2200 से लगा के, शायद अब रेट का पता नहीं है मेरे को, पहले शायद 2200 या $2300 के लगभग आता था, अब शायद 2500 के आसपास आ रहा हो, मेरे को रेट कंफर्म नहीं है गाइज, आप लोग नेट पे चेक कर लेना। तो भाई $2200 कितना हो गया इंडियन करेंसी में, अगर आप एक हिसाब से लगा दो, ढाई लाख रुपए तो वैसे ही हो रहे हैं, 2.5-3 लाख रुपए से ऊपर की यूनिट अगर हम खरीदेंगे, 2.5-3 लाख भी का और ज्यादा ही, बल्कि 3.5-3.5 लाख की अगर हम यूनिट खरीदेंगे तो उतने में तो हम 4-5 अलग अलग VLF डिटेक्टर खरीद लेंगे ना गाइज, तो हम उनसे ही काम कर सकते हैं ना, तो हमें पल्स इंडक्शन की जरूरत क्या है इतने महंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ पल्स इंडक्शन टेक्नोलॉजी आपको समझ में आई होगी, PI डिटेक्टर होते क्या है ये बात भी आपको समझ में आई होगी, और PI डिटेक्टर हम इंडिया में क्यों यूज नहीं करें ये चीज भी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि हमारे भारत में भाई कचरा बहुत रहता है, ये बात याद रखना। हम लोग जंगलों में नहीं जाते हैं जैसे फॉरेन के लोग जाते हैं ना नगेट हंटिंग के लिए, हमारे इंडिया में अभी कोई नगेट हंटिंग करने नहीं गया। मैं हालांकि गया हूँ, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि जिस जगह मैं जाता था कभी मेरे को नगेट मिला कभी नहीं मिला, क्योंकि मैं ज्यादा नगेट हंटिंग पे गया नहीं हूँ। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आपको नगेट हंटिंग करना है या आपको कोई भी तरह का ट्रेजर हंटिंग भी करना है, कॉइन रिलैक्स हंटिंग करना है, तो आप भाई देख सकते हो, क्योंकि ये PI यूनिट उस टाइम पे इसलिए निकाली गई थी, कोई ऑप्शन नहीं था कि दोनों तरह के डिटेक्टर मिल जाए, तो उस टाइम पे दोनों तरह के डिटेक्टर मतलब ट्रेजर भी ना छोड़े और नगेट भी ना छोड़े, ऐसा बनाने के लिए पल्स इंडक्शन का इस्तेमाल करा गया था, ताकि पल्स शॉर्ट की जाए और हर ऑब्जेक्ट पता लगा लिया जाए, तो ये बीच का रास्ता निकाला था उनने। लेकिन आजकल VLF में मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर आने लगे, बीच का रास्ता उनने भी निकाल लिया कहीं ना कहीं से, नोकटा ने पहला VLF में मल्टी फ्रिक्वेंसी निकाला, भाई उसने निकाला माइन लैब ने, तो भाई मल्टी फ्रिक्वेंसी तो सब लोग निकालने लगे आजकल, तो जरूरत क्या है हमें इतने महंगे डिटेक्टरों की। उम्मीद करता हूँ जिन जिन पे PI यूनिट होंगी इंडिया के अंदर वो लोग भी समझ गए होंगे इस बात को, और इनको चलाना और ऑपरेट करना सबसे टफ काम है इनमें, हालांकि कुछ रहता नहीं है, सिर्फ 2-3 बटन रहते हैं, घुमाओ और चलाओ, और आपको क्या है सिर्फ कानों के ऊपर निर्भर होके चलना है और कुछ नहीं होता भाई, साउंड आया तो खोद लो बस, बात खत्म, इसमें इतना सा काम है और कुछ नहीं रहता। अब चाहे कचरा निकले कूड़ा निकले या कुछ भी निकले, तो आपके ऊपर है, आपके विवेक से काम लो, ज्यादा पैसा लगा के पल्स इंडक्शन खरीदना है या VLF खरीदना है, ये आपके ऊपर है। कंपैरिजन अगर हुआ तो किसी टाइम पे मैं प्रोडक्ट मंगा के हो सकता है आपको कंपेयर करके एक वीडियो भी बना के डाल दो। तो कमेंट करना गाइज, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जोधपुर के अंदर सेमिनार होने वाला है जनवरी के अंदर, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना। मेटल डिटेक्टर का गिव अवे चल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर होते ही क्या मिलने वाला है, मेटल डिटेक्टर। तो भाई जब आपको एक मेटल डिटेक्टर फ्री में मिलने वाला है तो आपको करना क्या है उसके लिए, तो भाई सबसे पहले लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ये वीडियो मेरे कैसी लगी आपको तो मेरे को लिखते रहो, कोई और बात है कोई और टॉपिक है बताओ भाई, मैं आपके लिए बैठा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करने को तैयार हूँ। तो गाइस फिर मिलते हैं, गुड बाय।